अनुपमा भले ही टीआरपी चार्ट नंबर 1 पे चल रहा है, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं उसकी वजह से फैंस बहुत ज्यादा नाराज हैं। कई सारे फैंस ने तो इसे ट्रोल भी किया है। उनका कहना है इसकी टीआरपी 1 जिस कारणों से थी उसकी वजह से जो नए नए ट्विस्ट ला रहे हैं इसको टीआरपी पे बनाए रखने के लिए वो बहुत ही वाहियात है। फैंस का क्या कहना है, वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि शो में अनेरी वजानी को मालविका बनाकर लाया गया है, मालविका जो कि अनुज की बहन है। इस ट्विस्ट को लाया गया है और ये ट्विस्ट दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि कहानी पूरी तरह अनुपमा पर फोकस थी, अब धीरे धीरे ये मालविका की तरफ मुड़ रही है। दूसरा, इस शो में मालविका को वो यानी अनेरी को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि मालविका यानी अनेरी इस शो में उन्हें बहुत इरिटेट कर रही है। शो में मालविका और अनुज की जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही है, जो ट्रैक चल रहा है, भाई बहन की जो केमिस्ट्री चल रही है, मालविका के पास से जुड़ा जो चीजें रिवील हो रही हैं, ये दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है अनुपमा पूरी तरह से फोकस होना चाहिए अनुपमा की जिंदगी पर। अनुपमा और अनुज की जो ट्रैक शुरू किया था, दोनों में थोड़ा थोड़ा प्यार होना शुरू किया था, वो पसंद आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ एपिसोड दोनों भाई बहन के ऊपर दिखाया गया ये दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तीसरा पॉइंट जो दर्शकों को बहुत इरिटेट कर रहा है वो है अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है। जब शुरू शुरू में अनुज की एंट्री होती है तो दर्शक बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि अनुपमा पूरी तरह से अकेली थी क्योंकि वनराज तो उसके साथ था ही नहीं, ऐसे में अनुज उसका साथ देगा। अनुज का कैरेक्टर भी दर्शकों को बहुत पसंद आया, अनुज बहुत पसंद आया, लेकिन अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी को रोक कर यहां अनुज और मालविका की भाई बहन की जो कहानी जिस ट्रैक पे चल रही है वो दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए जो कि मालविका के आने से अटक गई है। अभी जो ट्रैक चल रहा है उसमें धीरे धीरे आप ये भी देख रहे हैं कि मेकर्स वनराज के कैरेक्टर को थोड़ा सा बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है वनराज अब आपको थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मेकर्स कोशिश कर रहे हैं वनराज की जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा सुधारने की, थोड़ा अच्छा करने की, लेकिन ये बात फैंस को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वनराज ने जो अनुपमा के साथ किया उससे उसके लिए कभी फैंस माफ नहीं करेंगे। ऐसे में मेकर्स कितनी भी कोशिश कर वनराज की छवि को सुधारने की, मेकर्स कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वनराज की छवि को सुधारने की, लेकिन फैंस इस बात से बहुत नाराज हैं। लास्ट सबसे बड़ी बात जो है, आप देखेंगे खबरें यह आ रही है कि मालविका 10 साल पहले शादीशुदा थी, उसका पति अक्षय उसे मारता था, और खबरें ये भी आ रही है कि मालविका का एक बच्चा भी है। फैंस इस बात से बहुत नाराज है कि ये शो अनुपमा की कहानी है, उसकी जिंदगी की कहानी है, उसके परिवार की कहानी है, उसके स्ट्रगल की कहानी है, और ऐसे में अब शो धीरे धीरे अनुपमा की तरफ ना मुड़कर सीधे मालविका और उसकी जिंदगी पर दिखाया जा रहा है, जो फैंस को बहुत परेशान कर रहा है। फैंस सिर्फ अनुपमा से जुड़ी उसकी जिंदगी की कहानी देखना चाहते हैं, मालविका उसकी जिंदगी, उसके पति और उसके बच्चों में फैंस को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यही कुछ कारण है जो फैंस को परेशान कर रहे हैं। और ऐसे में फैंस ने बहुत ट्रोल भी किया है इस शो को। उनका कहना है कि ये शो अपनी टीआरपी चार्ट पर बना हुआ है अगर अनुपमा की ही कहानी दिखाई जाए तो, अगर ये ट्रैक अनुपमा से हटकर मालविका या फिर किसी और तरफ मुड़ता है तो दर्शक इस शो को पसंद नहीं कर पाएंगे।